नहीं बच्चों, हो जाओ रेडी, आ चुका है केडी। बच्चों आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर का डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं, फिर हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ेंगे। दरअसल सर्किट में, सर्किट को सॉल्व करने के लिए ओम्स लॉ पहले से रनिंग था, ओम्स लॉ पहले से रनिंग था, बट कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट आने के बाद, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आने के बाद ओम्स लॉ के द्वारा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, वोल्टेज फाइंड आउट करना टफ हो गया था। तो ऐसे में वैज्ञानिकों के बीच में एक समस्या डेवलप हो गई भाई, कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस समस्या का सॉर्ट आउट करने वाला वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट गुस्ताव किरचॉफ्स। उन्होंने कहा नो टेंशन, हमारे लॉ है, हमारे कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट के द्वारा सर्किट से रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन हो बड़ा आसानी से सॉल्व हो सकता है, चाहे सिंपल सर्किट हो चाहे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, सभी सर्किट का सॉल्यूशन होता है। बच्चों सर्किट का तीन एलिमेंट होते हैं, कौन कौन? कैपेसिटर, रेसिस्टर, इंडक्टर। अगर किसी सर्किट में तीनों एलिमेंट होता है तो वहां पर ओम्स लॉ के द्वारा सॉल्यूशन संभव ही नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो किरचॉफ्स ने इस समस्या का सॉर्ट आउट किया। क्या कहा, आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल किरचॉफ्स का जो लॉ है सर्किट से रिलेटेड, अपने इस पूरे लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया है, इसलिए किरचॉफ्स का दो लॉ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, क्या कहता है देखिए। फर्स्ट लॉ या इसी का दूसरा नाम है करंट रोल, इसी का एक नाम और रख सकते हैं आप जंक्शन रोल, और इसी को बोल सकते हैं पॉइंट रोल। तो आइए मैं जानना चाहता हूं किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। बहुत ही सिंपल कहता है, लेकिन एप्लीकेशन बहुत ही वाइड है। इन्होंने कहा किसी भी सर्किट में किसी भी पॉइंट पर करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है वो ऑलवेज ऑलवेज जीरो होता है। व्हाट मींस दिस? बच्चों अगर कोई सर्किट है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सर्किट हो या सिंपल सर्किट हो, सर्किट के किसी पॉइंट पर टोटल करंट का अलजेब्रिक सम करोगे दैट इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। आनी सर्किट के किसी जंक्शन पर करंट का टोटल सम का वैल्यू जीरो होता है, दैट इज समेशन आई इक्वल टू जीरो। अब कहिएगा सर इसका क्या मतलब हुआ? आइए मैं इसको समझने का कोशिश करता हूं किरचॉफ्स ने अपने लॉ में क्या कहा है। हम एक्सप्लेनेशन में चलते हैं, एक्सप्लेनेशन। देखिए आपके सामने एक सर्किट बना रहे हैं, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा उतने ही ज्यादा आपको मजा आते जाएगा। लीजिए सर्किट का ये रहा एक जंक्शन जिसको हम पी कह रहे हैं, इस ब्रांच में करेंट आ रहा आई वन, इस ब्रांच में करेंट आ रहा आई टू, इस ब्रांच में करेंट आ रहा आई थ्री, यहां से जा रहा आई फोर, आई फाइव, आई सिक्स। अब कहेगा सर यहां तो बैटरी है ही नहीं, करेंट कहां से आ रहा होगा? कहीं बैटरी कनेक्ट होगा, कहीं पावर सप्लाई कनेक्ट होगा, फिलहाल पावर सप्लाई से कोई मतलब नहीं। तो किरचॉफ्स के लॉ कहता है कि सर्किट के किसी भी जंक्शन पर करंट का नेट वैल्यू हमेशा और हमेशा जीरो होता है। जैसे हम अगर इस जंक्शन पर बात करना चाहें, पॉइंट पी पर बात करना चाहें, तो यहां करंट का नेट वैल्यू जीरो मिलेगी। इसके लिए किरचॉफ्स ने क्या कहा, जंक्शन की ओर जितने भी इनकमिंग करेंट है सबका पॉजिटिव साइन लेंगे, और जंक्शन से जितने आउट गोइंग करेंट है, दूर जाने वाला है, सबका साइन हम लोग नेगेटिव लेंगे। किरचॉफ्स अस्सुम दैट करेंट फ्लोइंग
towards the point is taken to be positive and current flowing away from the point is taken to be negative. आइए मैं इसके अनुसार अप्लाई करके दिखाता हूं. अकॉर्डिंग टू लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर इनकमिंग करंट कौन है? I1 प्लस I2 प्लस I3. आउट गोइंग करंट कौन है? उसको माइनस ले लो, माइनस I4, माइनस I5, माइनस I6. नेट वैल्यू क्या होगा? जीरो. इसको हम आगे बढ़ा देते हैं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 That is equal to I4 plus I5 plus I6. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए I1 plus I2 plus I3, these are the incoming current और I4 plus I5 plus I6, these are the outgoing current. इसका मतलब किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आता है उतना ही करंट चला जाता है, करंट का वहां जवाब नहीं होता है. That is आप लिख सकते हैं इनकमिंग करेंट इक्वल टू आउट गोइंग करेंट. इनकमिंग करेंट इक्वल टू आउट गोइंग करेंट. किसी भी जंक्शन पर जितना करेंट आता है उतना करेंट चला जाता है. इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए इस तीनों ब्रांच मिला के 10 एम्पियर की करेंट पॉइंट पी पे आ रहा है, तो क्या बच्चों इन तीनों ब्रांच में जो करेंट बढ़ेगा वो 10 एम्पियर से ज्यादा होगी? क्या 11 एम्पियर होगी? जवाब है नहीं. ये 10 एम्पियर अगर आ रहा है तो 10 एम्पियर ही तीनों ब्रांच में डिवाइड होगा. दैट मींस जंक्शन पर करंट क्रिएट नहीं होगा. अगर 10 एम्पियर आ रहा तो 10 एम्पियर ही आगे जाएगा. इट मींस जंक्शन डज नॉट बिहेव एज ए सोर्स. ऐसा भी नहीं होता है कि अगर मान लो यहां पर 10 एम्पियर करेंट आ रहा है तो आगे 9 एम्पियर जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है. दैट मींस जितना करंट आता है उतने ही करंट चला जाता है. इसका सीधा मतलब है पॉइंट पी ना तो सोर्स का काम करता है ना तो पॉइंट सिंक का काम करता है. बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. कभी कभी आपसे पूछेगा जंक्शन कैसा बिहेव करता है, सोर्स का, सिंक का, बोथ, नन ऑफ दीज. जवाब है none of this. ना तो सोर्स का काम करता है ना तो सिंक का काम करता है. जंक्शन जस्ट पॉइंट है जहां पर जितना करंट आ रहा है वहां से उतना करंट जा रहा है. बच्चों इसलिए पॉइंट पी नादर बिहेव्स एज ए सोर्स नॉर बिहेव्स एज ए सिंक. चूंकि बार बार हम यहां पर एक पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं, पॉइंट के अकॉर्डिंग बात हो रही है, so it is called point rule. इसलिए इसको point rule कहते हैं. अच्छा पता है ना, जहां बहुत सारा ट्रेन आती है उसे कहते हैं रेलवे जंक्शन. जहां बहुत सारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल जंक्शन. इसलिए इसका अदर नेम है जंक्शन रूल. और चूंकि ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इस लॉ के द्वारा हम करंट की बंटवारा करते हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड करंट रूल. और चूंकि बच्चों किर्चॉफ्स अपने लॉ का फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट सेगमेंट में ये सारी बात कहे हैं, इसीलिए इसका नाम है फर्स्ट लॉ. कहिएगा सर मुझे बहुत ज्यादा समझ में अभी नहीं आया, लेकिन विश्वास रखिए 110% समझ में आएगी बात. किर्चॉफ्स का फर्स्ट लॉ करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है. चाहे सर्किट सिंपल हो चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो, करंट की बंटवारा कहीं भी करनी है तो किर्चॉफ्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं. कैसे? आइए मैं एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं. देखिए एक सिंपल एग्जांपल है आपके सामने ले रहे हैं. जैसे एक ब्रांच बना रहे यहां पर, देखिए ऐसा है, यहां पर आई है 8 एम्पियर, 6 एम्पियर, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर. हम लोग कहता है कि बताओ इसमें आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी. जरा आइए किर्चॉफ्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं. इस जंक्शन पर देखिए इनकमिंग करंट 8 एम्पियर, आउटगोइंग करंट 6 एम्पियर. इनकमिंग करंट को प्लस लेंगे और आउटगोइंग को माइनस लेंगे, तो ऐसा समझिए 8 एम्पियर में 6 चला गया तो इधर बढ़ेगा 2 एम्पियर. ये जंक्शन पे काम हो गया. अब चलिए इस जंक्शन पर
इनकमिंग करंट 4 एम्पीयर, इनकमिंग करंट 2 एम्पीयर, दोनों प्लस ले गए, यहां बढ़ेगा 6 एम्पीयर। अब आइए इस जंक्शन पे रूल अप्लाई करता हूं, इनकमिंग करंट 6 एम्पीयर, इधर आउटगोइंग करंट 2 एम्पीयर, तो बोलिए इस ब्रांच में कितना जाएगा, दैट मींस आई का वैल्यू 4 एम्पीयर। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी करना हो, हम किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ अप्लाई करता हूं। ये था एग्जांपल नंबर 1। अब मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल नंबर 2। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, यहां पर एक ब्रांच इस तरह से आ रहा है, इधर से ब्रांच है, देखिए इधर जा रहा है 8 एम्पीयर, यहां से आ रहा है 10 एम्पीयर, इधर जा रहा है 1 एम्पीयर, यहां पे आ रहा है 10 एम्पीयर, इधर जा रहा है 6 एम्पीयर, यहां पे आई है। अब हमसे कहता है क्वेश्चन में आई का वैल्यू जरा बताओ। चलिए हम किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ का अप्लाई करता हूं। सबसे पहले इस जंक्शन पे अप्लाई करो, इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट 10 एम्पीयर, आउटगोइंग 8 एम्पीयर, इधर आउटगोइंग 1 एम्पीयर, आगे ऐसे समझिए 10 एम्पीयर आया उसमें से 8 इधर निकल गया, 1 इधर निकल गया, तो 9 निकल गया तो बचा 1, 1 एम्पीयर इधर जाएगा। अब इस जंक्शन पर आ जाओ, आने वाला 10 एम्पीयर, इधर भी 1 एम्पीयर, 11 हो गया, इससे निकल रहा है 6, आई का वैल्यू हो जाएगा 5 एम्पीयर। क्या देख रहे हैं बच्चों, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर पा रहे हैं किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ से। प्रश्न उठता है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ किस कंसेप्ट पर काम करता है। एक सिंपल सा बात यहां देखें, अभी इसको पूरी तरह से मिटाया नहीं है, दोनों साइड हम टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों साइड हम टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या मिलेगा, आई वन इंटू टी प्लस आई टू इंटू टी प्लस आई थ्री इंटू टी, और यहां पर आई फोर इंटू टी, आई फाइव इंटू टी, आई सिक्स इंटू टी। बच्चों सब जानते हैं चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, दिस इज क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, दैट इज इक्वल टू क्यू फोर क्यू फाइव क्यू सिक्स। इसका सीधा मतलब हुआ जितना चार्ज पॉइंट पे आ रहा है सारा का सारा चार्ज वहां से बह जा रहा है, फ्लो हो जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि फर्स्ट लॉ बेस्ट ऑन चार्ज कंजर्वेशन। यहां से क्या क्या पॉइंट निकला जरा वो समझिए बच्चों। अगर आपसे कहता है किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ से आप क्या सीखते हैं, तो आपका जवाब होगा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी सर्किट में करंट की बंटवारा करनी हो तो हम किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ से करते हैं। ये किस कंसेप्ट पर काम करता है, जवाब है ये काम करता है चार्ज कंजर्वेशन पे। ये कौन सा सर्किट में अप्लाई होता है, चाहे सिंपल सर्किट हो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, हर जगह हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ से। उन्होंने क्या कहा था एक बार फिर से समझ लीजिए, कितना सिंपल बोला है, द अलजेब्रिक सम, गौर करेंगे, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, यानी किसी पॉइंट पर करंट की टोटल वैल्यू जीरो होता है। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए किरचॉफ्स ने साइन एजम्पशन क्या किया, पॉइंट की ओर आने वाले जितने भी करंट है सबको प्लस ले लीजिए, पॉइंट से दूर जाने वाला जितने करंट है सबको माइनस ले लीजिए। और इसी कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अब किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ सीखेंगे। तो किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ से आप क्या क्या सीखे हैं, जवाब है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगाएंगे। क्या क्या नाम है, फर्स्ट लॉ कहो, करंट रूल कहो, जंक्शन रूल कहो, पॉइंट रूल कहो, शॉर्ट में कई दफा ऐसे मिलेगा केसीएल। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगाना है। दरअसल ओम की लॉ अगर फेल हो रहा है
और किर्चॉफ्स लॉ डेवलप हुआ है, तो किर्चॉफ्स का केवल एक लॉ से ही हर सर्किट की सॉल्यूशन नहीं हुई है, किर्चॉफ्स के एक लॉ से हर सर्किट की सॉल्यूशन नहीं हुई है, उसमें दोनों लॉ है। लेकिन हाँ, फर्स्ट लॉ से क्या सीख रहे हैं? करंट डिस्ट्रीब्यूशन। आइए हम सेकेंड लॉ सीखते हैं किर्चॉफ्स का, उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का सॉल्यूशन करेंगे। केसीएल हो गया, अब आप देखिए सेकेंड लॉ, किर्चॉफ सेकेंड लॉ बोलो या इसी को वोल्टेज लॉ बोलो या इसी को लोप लॉ बोलते हैं, तीन तीन नाम से जाना जाता है, ज्यादा फेमस है वोल्टेज लॉ, इसलिए उसको शॉर्ट में हम लोग केवीएल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, किर्चॉफ्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है? इससे पहले हम एक सर्किट बना रहे, वो सर्किट बनाने दिया जाए, फिर किर्चॉफ्स का सेकेंड लॉ समझ जाएंगे। यहाँ एक सेल है, इसका ईएमएफ ही, एक ब्रांच यहाँ पर, एक और ब्रांच, एक और ब्रांच, और लगातार का ब्रांच और ब्रांच, इसका नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी डी ई एफ। पूरी कंसंट्रेशन और सावधानी से ये लॉ सीखे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5। सबसे पहले सेल जो करंट देगा पूरे सर्किट में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम करने जा रहे हैं। लीजिए, सेल करंट दे रहा आई, बताओ इस ब्रांच को कितना मिलेगा? जवाब है आई, क्योंकि कोई जंक्शन है नहीं। यहां पर देखिए आई बी पॉइंट पर, यहां डिवीजन होगा, आई करंट आ रहा है तो थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा। मान लो आई में से निकल गया I1, जैसे 10 एम्पियर आ रहा है, इधर निकल गया 4 एम्पियर, तो स्वाभाविक इधर जाएगा 6, मतलब आई से अगर I1 निकल गया, इधर जाएगा I-I1। इस ब्रांच को भी कितना मिलेगा? I-I1, इधर कोई जंक्शन नहीं। फिर यहां पे जंक्शन आ गया, देखिए I1 आ रहा है, इधर से I-I1 आ रहा है, दोनों करंट मिलेगा, इस ब्रांच को कितना मिलेगा? दोनों को प्लस कर दीजिए। इस पॉइंट पर हम किर्चॉफ्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ऐड कर दो माइनस I1 और प्लस I1, कैंसिल, करंट होगा I। बच्चा, आपने सेल से आई करंट निकाला और घुमा के भी आई पहुंचा दिया, दैट मींस ये जो किर्चॉफ्स के फर्स्ट लॉ से आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं वो 100% राइट है। सर, आप तो पढ़ाने जा रहे किर्चॉफ्स का सेकेंड लॉ और अभी तक चर्चा कर रहे किर्चॉफ्स का फर्स्ट लॉ। हाँ बच्चा, किर्चॉफ्स के फर्स्ट लॉ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, सेकेंड लॉ का कोई डिस्कशन अभी नहीं किए हैं, पूरी कंसंट्रेशन बना के रहो। अच्छा, एक वर्ड यहां पर यूज हो रहा है, लूप, जरा क्लोज्ड लूप समझ लीजिए, दिखा रहा है कौन कौन लूप बन रहा है, ए बी ई एफ ए, एक लूप हो गया, और एक लूप दिखाता हूं, बी सी डी ई बी, और एक लूप हो गया, सोचो और का लूप बनेगा, सोचो ए बी सी डी ई एफ ए, तो लूप समझ गए आप। आप जब लूप समझ गए तो सेकेंड लॉ क्या कहता है वो जरा सुनिए, एकदम सिंपल कहता है, इन एनी क्लोज्ड लूप समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई। कहिएगा इतना सिंपल और इतनी बड़ी नाम? हां बच्चों, बहुत ही सिंपल बोला लेकिन एप्लीकेशन बहुत ही वाइड है। समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई, व्हाट मींस दिस? जरा स्टेटमेंट बोल देता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू कौन लॉ? किर्चॉफ्स सेकेंड लॉ, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, किर्चॉफ्स लूप लॉ, ये किसी भी लूप में ही अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन ए क्लोज्ड लूप द अल्जेब्रिक सम
ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करेंट, प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच इज इक्वल टू द एलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल प्रेजेंट इन दैट लूप। कहिएगा सर हम कुछ नहीं समझे, कुछ नहीं समझे हम सर, क्या बोले आप? अच्छा फोर्स लगाए लेकिन हम समझे नहीं, कोई बात नहीं है, एकदम सिंपल वे में हम चलेंगे। देखो बच्चों, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ कहता है किसी भी लूप में जाओ, उस लूप में करेंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करते जाओ, प्रत्येक ब्रांच का प्लस करते जाओ, प्रोडक्ट करते जाओ, करेंट और रेजिस्टेंस का प्लस करते जाओ, और जो वैल्यू आएगा प्रोडक्ट का, जो वैल्यू आएगा आई आर का, उस लूप में लगा हुआ सेल के ईएमएफ के सम के बराबर होगा। अब कहिएगा सर अगर उस लूप में कोई सेल ना हो तो तब बात ऐसा होगी, समेशन आई आर इक्वल टू जीरो। आप कहेंगे सर अभी भी मुझे क्लियर समझ में नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आया होगा लेकिन 100% आएगा। बच्चों किरचॉफ्स का जो सेकेंड लॉ है ये किसी लूप में अप्लाई होता है, किसी लूप में जाओ, जैसे इस लूप की बात करता हूं ए बी ई एफ ए का, यहां पे करंट है रेजिस्टेंस है, प्रोडक्ट करो फिर प्लस का साइन डालो, करंट है रेजिस्टेंस है प्रोडक्ट करो प्लस का साइन डालो, करंट और रेजिस्टेंस प्रोडक्ट करो, इस लूप में जो वैल्यू आएगा आई इंटू आर का लगा हुआ सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। लेकिन यहां एक सावधानी वाली बात है, अगर किसी लूप में करंट की दो डायरेक्शन हो गई, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो मामला फंस जाएगा और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो किरचॉफ्स आपके लिए फ्री छोड़ दिया है, अगर आप किसी लूप में क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन को प्लस मान रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मान लीजिए। कहेगा नहीं सर हम एंटी क्लॉकवाइज को ही प्लस मानेंगे, आप फ्रीडम है तो क्लॉकवाइज को माइनस मान लीजिए, लेकिन एक क्वेश्चन में एक विचार, ये नहीं कि एक रूप में एंटी क्लॉकवाइज को प्लस और दूसरा रूप में एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। एक बार कसम खाइएगा तो जिंदगी निभाना पड़ेगा। दिखाता हूं ये लॉ अप्लाई करके, लास्ट टाइम फाइनल, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल प्रेजेंट इन दैट लूप। कैसे ही क्वेश्चन बनता है वो ध्यान लगाइएगा। लेकिन हाँ, अगर एक डायरेक्शन में प्लस पकड़ लिए हैं क्लॉकवाइज को, तो उस पूरे क्वेश्चन में क्लॉकवाइज को प्लस ही रखना है। जैसे हम इस लूप में अप्लाई करना चाहता हूँ, इस लूप में देखिए करंट कैसे चल रहा है, ए बी ई एफ में ए ऐसे चल रहा है, तो बोलिए कौन डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, चलिए हम एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लेते हैं। इन क्लोज्ड लूप ए बी ई एफ ए, यहां पर करंट कितना है आई, रेजिस्टेंस कितना है आर वन, प्लस यहां करंट कितना है आई वन, रेजिस्टेंस कितना है आर टू, प्लस यहां करंट कितना है आई, रेजिस्टेंस कितना है आर फाइव, दैट इज इक्वल टू, क्या इस लूप में कोई सेल है? कहेंगे हाँ, ईएमएफ ही, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, चलिए अभी इस लूप में चलता हूं। इन क्लोज्ड लूप बी सी डी ई बी, देखो है बी सी डी ई बी, देखिए डायरेक्शन ऐसे, इस करंट का डायरेक्शन ऐसे, लेकिन यहां टक्कर खा रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसे, एक बार कसम खा लिया है, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिया है तो जिंदगी निभाना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेना पड़ेगा। चलो लगा यहां पर करंट कितना है I माइनस आई वन, रेजिस्टेंस कितना है R3, थ्री, यहां पर करंट कितना है I माइनस आई वन, रेजिस्टेंस कितना है R4, बोलो यही डायरेक्शन मिला कि अपोजिट हो गया?
कहेंगे अपोजिट, तो क्या लेंगे माइनस, एंटी क्लॉकवाइज प्लस लिया, क्लॉकवाइज माइनस लो, आई वन इंटू आर टू। बता दो बच्चों इस लूप में कहीं कोई सेल नजर आ रहा है? कहेंगे नहीं, दैट इज इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। कैसे इक्वेशन बन रहा है ये समझिए, जहां कोई फॉर्मूला आपको मिलने वाला नहीं है। किरचॉफ के दोनों लॉ के द्वारा हम लोग इक्वेशन तैयार करते हैं, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हमारे अननोन क्वांटिटीज नोन हो जाता है। एक लूप और यहां बन रहा है बड़ा सा, ए बी सी डी ई एफ ए, तो चलता हूं इन क्लोज्ड लूप ए बी सी डी ई एफ ए। देखो ए बी सी डी ई एफ ए इसमें चल रहा हूं, देखिए इसमें करंट का की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले कसम खाली एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेंगे। बच्चों जब इस ब्रांच में चल रहे हो ये ब्रांच छूट जा रहा है, तो यहां पर देखो करंट कितना है आई, रेजिस्टेंस कितना है आर वन, यहां पर करंट कितना है आई माइनस आई वन, रेजिस्टेंस कितना है आर थ्री, यहां पर करंट कितना है आई माइनस आई वन, रेजिस्टेंस कितना है आर फोर, यहां करंट कितना है आई, रेजिस्टेंस कितना है आर फाइव, दैट इज इक्वल टू। चलो इस लूप में कोई सेल नजर आ रहा है, हाँ, तो ईएमएफ हो गया ए। दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। तो हाउ कैन फॉर्म द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ, वही मैं समझा रहा हूं। किरचॉफ्स के लॉ के द्वारा आप कैसे इक्वेशन बनाते हैं यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए इस लॉ का स्टेटमेंट बोलता हूं कितना आसान लगेगा, कितना सिंपल बोला है, समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ए। अरे According to this law, in a closed loop, the algebraic sum of product of current and resistance of each branch is equal to algebraic sum of EMF of the cell present in that loop. अभी तो आपको यहाँ एक सेल नजर आ रहा है, किसी किसी सर्किट में दो सेल रहेगा, तीन सेल रहेगा, तो वहां सारे सेलों का EMF को प्लस करना है, और वो भी देखना पड़ेगा कब ईएमएफ को प्लस करना है कब ईएमएफ को माइनस करना है, वो डिपेंड करेगा उस सर्किट के सिचुएशन पर। हाँ इतना माइंड मेकअप कर लो, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट को आप प्लस बोले हैं तो उस क्वेश्चन में क्लॉकवाइज को आप माइनस बोल सकते हैं। कहेगा नहीं सर हम क्लॉकवाइज को माइनस बोलना चाहते हैं, तो क्लॉकवाइज को माइनस बोल देंगे, एंटी क्लॉकवाइज को उस क्वेश्चन में प्लस बोलना पड़ेगा, दैट मींस अपोजिट साइन लेके चलना होगा। अब रहा सवाल, इसका नाम लूप लॉ क्यों पड़ा, तो बिना किसी लूप में ये लॉ अप्लाई होता ही नहीं है, इसीलिए इसका नाम पड़ा लूप लॉ। इसको वोल्टेज लॉ क्यों बोलते हैं, ये वोल्टेज से रिलेटेड बात होता है ना, आई आर इक्वल टू क्या वोल्टेज, इसलिए इसका नाम वोल्टेज लॉ। सेकेंड लॉ क्यों पड़ा, अरे किरचॉफ्स अपने स्टेटमेंट को ये सेकेंड पार्ट में कहा है, इसीलिए इसका नाम है सेकेंड लॉ। मन में क्वेश्चन आता है क्या सर अगर हमको सेकेंड लॉ नहीं समझ आया तो फर्स्ट लॉ से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स के दोनों लॉ का इस्तेमाल करना पड़ता है। फर्स्ट लॉ से करंट की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेकेंड लॉ से इक्वेशन तैयार करते हैं, फिर सॉल्व कर देते हैं। ये काम करता है एनर्जी कंजर्वेशन पर। कहिएगा वो कैसे, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, ईएमएफ क्या है, सेल के अंदर का एनर्जी है, तो ये ईएमएफ की चर्चा करती है, एनर्जी की चर्चा करती है, सो इट वर्क्स ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। चलिए इसको मिटाता हूं, ये दोनों लॉ को माइंड में आप सेट करें, और जब ये दोनों लॉ को माइंड में सेट करेंगे तब भी जाके आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं किरचॉफ्स के लॉ के द्वारा। देखिए क्वेश्चन ये है, इफ 12 रेसिस्टर ईच हैविंग रेजिस्टेंस आर एंड इज connect
in such a way that they formed cube. Find equivalent resistance between diagonally अपोजिट कॉर्नर. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरा समझिए और इस क्वेश्चन में हम किरचॉफ्स के दोनों लॉ का यूज करके दिखाएंगे. क्वेश्चन समझ लो जरा क्या कहता है. 12 को रेजिस्टर है, सभी का रेजिस्टेंस आर है और उसको इस प्रकार से जोड़ा है कि क्यूब का फॉर्मेशन हो गया. तो उस क्यूब के डायगोनली अपोजिट कॉर्नर के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. दिस इज द क्वेश्चन. लास्ट एंड फाइनल जरा समझिए. 12 गो रेजिस्टर है, सब का रेजिस्टेंस आर है और उसको ऐसा जोड़ा है कि क्यूब बन जा रहा है. तो कहता उस क्यूब के डायगोनली अपोजिट कॉर्नर के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. देखना चाहता हूं कैसे सॉल्व होता है. ऐसे क्वेश्चन में सीरीज पैरेलल करते करते बाल पका दीजिएगा, नहीं बनेगा. इस्तेमाल करना होगा किरचॉफ्स लॉ और वो भी ठंडा दिमाग से. चलो जी, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच, इसका रेजिस्टेंस आर 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 आर. 12 को बनाना है. यहां भी आर, यहां भी आर, यहां भी आर, यहां भी आर. 8 को हो गया 12 है. एक यहां जोड़िए, इसका भी आर. यहां जोड़िए, यहां भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर. नेमिंग कर दो ए बी सी डी ई एफ जी और एच. अब कहता है डायगोनली अपोजिट कॉर्नर. डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ए और डी अपोजिट कॉर्नर है, इसके बीच में चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. एक मिनट, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्स. हम मान लेते हैं डायगोनली अपोजिट कॉर्नर के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स है. तो कैसे बनाएंगे? सीरीज पैरेलल ना बाबा ना. पहले कनेक्ट करो बैटरी. चलो सेल कनेक्ट कर दिया, इसका ईएमएफ ही है. अब यहां से करंट लाओ, मान लो आई करंट दे रहा है ये. अब इस जंक्शन पर किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई कीजिए. करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ से होता है. तो इनकमिंग करंट आई है तो तीनों ब्रांच मिलके करंट आई ही होगा. रेजिस्टेंस इक्वल है इसलिए करंट का डिवीजन भी इक्वल. तो आई बाय थ्री, आई बाय थ्री, यहां भी आई बाय थ्री. दिमाग ठंडा रखिए. चलो ये करंट आई बाय थ्री यहां आ गया, फिर जंक्शन मिल गया. यहां किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करो, दो पार्ट में डिवीजन होगा. आई बाय थ्री का आई बाय सिक्स, आई बाय सिक्स इक्वल क्यों हो रहा है? देख रहे रेजिस्टेंस इक्वल है. अब इस जगह पर आइए, आई बाय थ्री आ रहा है, दो पार्ट में डिवीजन होगा. आई बाय सिक्स, आई बाय सिक्स. फिर देखो यहां से आई बाय थ्री आ रहा है, यहां जंक्शन है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ. कुछ बच्चा सोच रहा होगा कि यहां पर भी करंट का डिवीजन होगा. बिल्कुल नहीं, वो वायर के ऊपर वायर है, वो जंक्शन नहीं है. यहां पर चला जाएगा आई बाय सिक्स, इस ब्रांच में भी आई बाय सिक्स. अब देखिए इस पॉइंट पर लगाओ किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ. आ रहा आई बाय सिक्स इस ब्रांच में, आई बाय सिक्स और आई बाय सिक्स,
ये हो जाएगा आई बाय थ्री। अब इस ब्रांच में जा रहा आई बाय सिक्स, यहां से आई बाय सिक्स, इसको मिलेगा आई बाय थ्री। इस ब्रांच में आई बाय सिक्स, यहां भी आई बाय सिक्स, इसको मिलेगा आई बाय थ्री। अब जरा आइए डी पर, इनकमिंग करेंट आई बाय थ्री, आई बाय थ्री, आई बाय थ्री, एड करो आई। अरे तरीके, हमने बैटरी से आई करंट निकाला, अब घुमा फिरा के भी आई ला दिया, मतलब सीधा है इस ब्रांच में, इस नेटवर्क में, इस जाल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फॉल्ट नहीं है। और अभी तक इस्तेमाल हुआ है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। कहिएगा सर किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ अप्लाई करो, तो बच्चों किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ तो किसी लूप में चलेगा, यहां लूप दिखा देता हूं कौन कौन सा है, ए बी सी जी ए, ए बोलो, और देखो ए बी एच एफ ए, और देखो ए बी सी डी ई एफ ए, और देखो जी सी डी ई जी, और देखो बी सी डी एच बी, बहुत सारे लूप है। अब प्रश्न उठता कौन लूप में लगाएंगे, उससे पहले गाना सुन लो। करंट निकालने का फॉर्मूला है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। करंट का फॉर्मूला है आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। पहले डांस करता हूं फिर लगाएंगे सेकेंड लॉ। आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस एक्स माने हैं, लीजिए ई बराबर हो गया आई एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब हम किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो किस लूप में चले भाई, पूरा मार्केट तो जाम नजर आ रहा है। जब पूरा मार्केट जाम है और जल्दी क्लास पहुंचना है तो केडी प्रसाद फॉलो करता है बाईपास का। तो देखो बाईपास ए बी सी डी ए, मार्केट घुस में नहीं किए और धाम पे पहुंच गए। तो चलिए इसी लूप में चलता हूं, एन क्लोज लो ए बी सी डी ए, कितना बढ़िया, देखो साइड से निकल गया है, साइड से निकल गया है, निकल गया, और सबका करंट का एक ही डायरेक्शन है, तो अच्छा बात है प्लस लगाएंगे। चलिए करंट यहां कितना है आई बाय थ्री, रेजिस्टेंस बोलो आर, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, प्लस यहां करंट बोलो आई बाय सिक्स, रेजिस्टेंस आर, यहां करंट बोलो आई बाय थ्री, रेजिस्टेंस आर, और घूम के आओ, क्या इस लूप में कोई सेल है बच्चा बताओ, कहीं हा है, दैट इज इक्वल टू ई। एलसीएम ले लो सिक्स, टू आई आर, आई आर, टू आई आर, दैट इज इक्वल टू ई। यहां पर कितना हो जाएगा फाइव आई आर बाय सिक्स, दैट इज इक्वल टू ई। अरे बचवा ई का वैल्यू कितना है आई एक्स, तो फाइव आई आर, और यहां पर है सिक्स, और ई का वैल्यू डाल दो आई एक्स, आई से आई कैंसिल, लीजिए एक्स इक्वल टू आ गया फाइव आर बाय सिक्स, इतना ओम आंसर। तो बच्चों आज मैं आपको किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट के साथ एक्सप्लेनेशन देते हुए मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आने वाला क्लास किरचॉफ्स लॉ पे टॉप क्लास का न्यूमेरिकल लेके हम आएंगे, जिसमें बहुत सारा सेलो रहेगा और बहुत अच्छा अच्छा नेटवर्क रहेगा, तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है लेक्चर का, वो किरचॉफ्स लॉ से, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ से ही अधिकतर क्वेश्चन आपके बोर्ड और कंपटीशन में आते हैं और दमदार है। किरचॉफ्स लॉ से पहले का जो टॉपिक है वो बहुत ही ईजी है, वो 10 क्लास से कुछ टैली करता है, इसलिए उधर मैं लेक्चर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, किरचॉफ्स के लॉ से स्टार्ट किया है। तो आप इसको देखते रहिए और बने रहिए, और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कभी वीडियो बनाने में लेट इसलिए हो रहा है कि लाइव क्लास में आज का बहुत ज्यादा बिजी है, हर तरह का बैच स्टार्ट हो गया है, इसलिए बच्चों जो लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं
वो लाइव क्लास करें, अपना नेम एड्रेस व्हाट्सएप पे सेंड करें, चाहे 11 का स्टूडेंट हो चाहे 12 का स्टूडेंट हो, आप नेम सेंड करेंगे, एड्रेस सेंड करेंगे, क्लास सेंड करेंगे, हम आपको बैच में एडमिशन लेंगे, उसके बाद आपको लाइव क्लास के लिए आमंत्रित करेंगे। थैंक यू।